भोजपुरी का हर बड़ा सितारा, हर बड़ा हीरो अपनी हीरोइंस की जासूसी करवाता है, या हर बड़ी हीरोइन अपने हीरोज की जासूसी करवाती है। जी हाँ, हमारी जब ये आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि इन बातों में कहीं न कहीं सच्चाई है। और ये सारी चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से सरवाइव नहीं कर रही है, ये काफी पहले से सरवाइव कर रही है कि जब हर बड़ा हीरो अपनी हीरोइंस की जासूसी करवाता है। इनमें सबसे ऊपर नाम रवि किशन का आता है कि जब उन्होंने भोजपुरी फिल्में करना शुरू की तब उनकी जोड़ी नगमा के साथ सबसे बेहतरीन मानी जाती थी और फिल्मी सेट पर ही नगमा से रवि किशन को प्यार हो गया और ये आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। हुआ यूं कि नगमा उसी वक्त मनोज तिवारी के साथ भी एक फिल्म में काम कर रही थी। जैसे ही वो रवि किशन के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म करके अपने दूसरे सेट पर जाती जहां वो मनोज तिवारी के साथ शूटिंग कर रही थी, वो शूटिंग में व्यस्त रहती, लेकिन कहा जाता है कि रवि किशन लगातार उन पर नजर रखते, कहीं मनोज तिवारी नगमा से ज्यादा नजदीकियां तो नहीं बढ़ा रहे हैं और कहीं नगमा मनोज तिवारी से ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजों का ध्यान और इन सारी चीजों की खबर रवि किशन हमेशा रखते और शायद यही वजह रही कि इन दोनों का प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। जब तक पाखी हेगड़े निरहुआ के साथ काम करती रही, निरहुआ को पाखी हेगड़े में कभी कोई कमी दिखी ही नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने और भी स्टार्स के साथ काम करना शुरू किया भोजपुरी के, वैसे ही निरहुआ ने भी पाखी हेगड़े की जासूसी करवानी शुरू कर दी। वो ये जानने के लिए हमेशा आतुर रहते कहीं पाखी की नजदीकियां किसी और स्टार के साथ ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि निरहुआ के अलावा पाखी ने कई हीरोज के साथ काम किए और उनकी कई फिल्में निरहुआ के बगैर अदर हीरो के साथ सुपरहिट भी रही और ये बात हमेशा निरहुआ को कहीं न कहीं चुभती ही रही। ये बड़ा कारण हुआ इन दोनों की अलगाव का, क्योंकि निरहुआ के इस नेचर से कहीं न कहीं पाखी काफी तंग हो चुकी थी। ये बात नहीं है कि हीरोज ही हमेशा हीरोइन की जासूसी करवाते हैं, भोजपुरी की कई ऐसी बड़ी हीरोइंस हैं जब उन्होंने हीरोज की जासूसी करवाई है और उनके पल पल की खबर रखी है कि वो किस हीरोइन के साथ ज्यादा बात करते हैं, किसके साथ ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है और किसके साथ वो ज्यादा स्टेज शो कर रहे हैं। अब पवन और अक्षरा को ही ले लीजिए। पवन की लाइफ में न जाने कितनी औरतें आईं और गईं, लेकिन जो स्थान उन्होंने अक्षरा सिंह को दिया था वो शायद ही कभी किसी अपनी गर्लफ्रेंड को दिया हो, इसीलिए तो पवन के साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्में अक्षरा ने की और वो बहुत कम ही अदर स्टार के साथ दिखी। लेकिन जब भी वो कभी अदर स्टार के साथ दिखी, वहाँ पवन की इनसिक्योरिटी साफ साफ दिखाई देती है। जब उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ अपने रिश्ते तोड़े, ये पवन ने मेक श्योर किया कि जब तक वो पवन के साथ हैं, वो खेसारी लाल यादव के साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगी। और अक्षरा ने जैसा पवन ने कहा वैसा ही किया। अक्षरा ने तब तक खेसारी लाल यादव के साथ कोई फिल्म नहीं की जब तक वो पवन सिंह के साथ रिश्ते में थी। हाँ, लेकिन जैसे ही इनका रिश्ता खत्म हुआ, अब ये दोनों एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं और साथ ही ये बलम जी आई लव यू में खेसारी लाल यादव के साथ आइटम नंबर भी कर रही हैं। इनसिक्योरिटी और जासूसी वाला मामला तो अभी हाल ही में आप लोगों के सामने आया होगा, जहां हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से आम्रपाली के जोधपुर वाले यानी कि शेर सिंह की शूटिंग स्पॉट पर निरहुआ पहुंच गए। आपको बता दे कि शेर सिंह की शूटिंग के सिलसिले में आम्रपाली और पवन काफी दिनों से मुंबई से बाहर राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे। निरहुआ मुंबई में अपनी कामों में व्यस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं निरहुआ को इनसिक्योरिटी हुई और वो कंपनी देने के बहाने ही सही, लेकिन जोधपुर पहुंच गए ये देखने के लिए कहीं आम्रपाली और पवन सिंह में कंफर्टेबलनेस ज्यादा तो नहीं हो रही है।
खैर ये हमारे भोजपुरिया स्टार चाहे जो भी करें, लेकिन मनोरंजन बखूबी करते हैं। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।